हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12 के अकाउंटेंसी का चैप्टर 1, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सॉल्यूशन नंबर 60 का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 60 का सी पार्ट मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन हमें कह रहे हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। बता रखा है ए और बी दो पार्टनर हैं जो कि अपने बिजनेस में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉसेस को, किस रेशियो में? 3:2 में। देयर कैपिटल ऑन 31 मार्च 2021 आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड ड्राइंग अमाउंटेड टू ₹2 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे आपको जो ये बता रखा है 2 लाख और 1,50,000, ये एक क्लोजिंग कैपिटल बता रखी है। हमें कैसे पता चलेगा कि क्लोजिंग कैपिटल है? ये तो देखिए, एक तो डेट हमारे पास क्या मेंशन है, 31 मार्च 2021, और आगे भी आप चलेंगे तो यहाँ पे बता रखा है नेट प्रॉफिट और ड्राइंग क्या इसमें इंक्लूडेड है, मतलब कि एडजस्टमेंट कर रखी है किसकी, नेट प्रॉफिट की और ड्राइंग की। आगे बता रखा है लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम एज प्रोवाइडेड फॉर इट्स पार्टनरशिप डीड हैज नॉट बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे यही बात कह रखी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसका रेट 8% पर एनम था, पार्टनरशिप डीड में मेंशन था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट नहीं किया गया। आपको नेट प्रॉफिट बता रखा है 75,000 है एंड पार्टनर हैड विड्रॉन 24,000 ईच, जो कि आपको बता रखी है क्या है, ड्राइंग है। इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द साइन बैलेंस शीट इट वाज डिसाइडेड टू मेक एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगनिंग ऑफ न्यू ईयर क्रेडिटिंग और डेबिटिंग द पार्टनर्स अकाउंट गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री। तो वही आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले देखिए क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं गया जो कि अब हमें देना है, तो इसके लिए सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल तो पता होना चाहिए ना। तो हम सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल का पता करेंगे। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स ए और बी दो पार्टनर है। क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है, ए की 2 लाख रुपीज है, बी की 1,50,000 है। इसमें से लेस कर दीजिए क्या प्रॉफिट, जो कि ऑलरेडी शेयर था, कितना प्रॉफिट था हमारा टोटल 75,000 रुपीज का। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किस रेशियो में, 3:2 में। तो मल्टीप्लाई करेंगे 75 मल्टीप्लाई 3/5 करेंगे तो 45,000 आएगा, जिसको आप ए के कॉलम में मेंशन करेंगे, और 75,000 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे तो 30,000 आएगा। इसके बाद यहाँ पे आप माइनस करेंगे तो आएगा 1,55,000 के कॉलम में, माइनस करने पे हमारे पास आएगा 1,20,000। अब इसमें आपको ऐड क्या करनी है, ड्राइंग। जब ऐड ड्राइंग कर देंगे तो आपको ओपनिंग कैपिटल पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बता रखा है ड्राइंग कितनी है, ए की 24,000 ईच है दोनों की, तो ए की भी 24,000 है, बी की भी 24,000 है। प्लस करने पे ए के कॉलम में आएगा 1,79,000 और बी के कॉलम में आएगा 1,44,000। तो ये जो कैलकुलेट होके आया है, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट होके आई है। अब देखिए, आप एक वर्किंग नोट बनाना है, पर्टिकुलर्स ए बी और टोटल का कॉलम बनाना है। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ये ओपनिंग कैपिटल है आपके पास। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, क्योंकि वो दिया नहीं गया था, अब वो देना पड़ेगा हमें। तो ये एक तरीके से एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब की जनरल एंट्री करने से पहले हमें टेबल बनानी जरूरी है, इसी की हेल्प से हम जनरल एंट्री कर पाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% के रेट पे कैलकुलेट करना है। तो ए की ओपनिंग कैपिटल 1,79,000 है, इसका 8% कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कैलकुलेट होकर 14,320 आएगा, और बी की कैपिटल 1,44,000 है, इसका 8% कैलकुलेट होके 11,520 आएगा, टोटल आएगा 25,840। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट क्यों मेंशन किया, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड ही मेंशन होता है। अभी 25,840 रुपीस का एक तरीके से फर्म को लॉस है, जिसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 25,820 × 3/5 करेंगे तो ये 15,504 आएगा, और 25,840 × 2/5 करेंगे तो 10,336 आएगा, टोटल 25,840 होता है। अब आपको डिफरेंस पता करना है। तो देखिए, यहाँ पे लॉस को हम डेबिट साइड मेंशन करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, इसलिए डेबिट साइड मेंशन किया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारी डेबिट साइड ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, डेबिट साइड हमारी 1,184 से ज्यादा है, तो यहाँ पे डेबिट मेंशन कीजिएगा। बी के कॉलम में हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है, कितने से, 1,184 से क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट मेंशन कीजिएगा। अब इसके बेसिस पे आपको जनरल एंट्री करनी है। तो जनरल एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, 1,184 डेबिट साइड आएगा और 1,184 ही क्रेडिट साइड आएगा। एडजस्टमेंट इसकी नरेशन होगी बीइंग एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस तरीके से हमें जनरल एंट्री करनी थी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।